गाइस देख सकते हो मेरे पास नॉर्मल से सैमसंग का फ़ोन है, जिस फ़ोन के अंदर बैक साइड में फिंगर्स आ रहे हैं। सो इस फ़ोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इनेबल करके दिखाऊंगा गाइस। सो पहले सैमसंग की फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है इस चीज़ को करने के लिए। उसके बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी का गाइस। सो जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे ऊपर में फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके फ़ोन में फेस अनलॉक एक्टिवेट नहीं है तो पहले फेस अनलॉक को एक्टिवेट कर लेना। उसके बाद वॉरेक्स सेटिंग मिल जाएगा, से ऑन आफ्टर अनलॉकिंग वाली ऑप्शन को भी ऑन कर देना। उसके बाद बैक आ जाना है, दोबारा आपको सेटिंग में जाना है, वॉरेक्स सेटिंग करना है। सो उसके बाद दोबारा सेटिंग में आने के बाद आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग में आपको लॉक स्क्रीन वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना। एंड क्लिक जैसे करोगे गाइस उसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा वेल पेपर सर्विस का, आपको इसको जस्ट बंद कर देना। नीचे नॉन वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना, उसके बाद अप्लाई कर देना। सो अप्लाई करने के बाद आपको जस्ट फिर से बैक आ जाने हैं। बैक आने के बाद गाइस इस वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सो उस लिंक पे जस्ट क्लिक करोगे इस चार वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो इस चार वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है गाइस टेलीग्राम वालों के लिए। सो जस्ट इन सारे वीडियोज़ को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये बेसिकली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का वीडियो है गाइस। सो उसके बाद जस्ट आपकी फ़ोन की जो गैलरी होता है सैमसंग फ़ोन का जो गैलरी रियल गैलरी, जस्ट उसको ओपन कर लेना एंड वही वीडियोज़ को ओपन कर लेना। सो जैसे कि देख सकते हो वही चार वीडियोस हैं यहाँ पर। सो वही वीडियोस को आपको जस्ट प्ले कर लेना। जैसे कि देख सकते हो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का जो रियल होता है गाइस उससे भी बढ़िया बढ़िया इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का वीडियो है गाइस। सो इन सारे को अप्लाई करना है। सो जैसे कि देख सकते हो मान लो मैं इसको पसंद है, इसको लगाना चाहती हूँ। सो उसके बाद आपको थ्री डॉट देखने के लिए मिल जाएगा, थ्री डॉट पर क्लिक कर देना। सेड एज वॉल पेपर वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना। सो लॉक स्क्रीन सिलेक्ट करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पर वॉरेक ऑप्शन मिल जाएगा, फिर से आपको सेट करना है। नीचे ऑप्शन देख सकते हो, फिर से वॉरेक बस सेट करना पड़ेगा। सो दोबारा सेट करने के बाद ऑटोमेटिकली लॉक स्क्रीन में सेट हो जाएगा। उसके बाद जब बैक आ जाना है एंड बैक आने के बाद लॉक स्क्रीन में कुछ इस तरह से एनिमेशन देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली फेस अनलॉक के डायरेक्ट कर लेगा, उसके बाद स्वाइप तो करना पड़ेगा बट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट तारा लुक मिल जाएगा गाइस। सो रियल वाली नहीं होता है बट गाइस इसका लुक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जैसा होता है गाइस। सो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। ऐसे वीडियोस के लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।